देखे होंगे लिविंग रूम, इसका एंट्रेंस का वीडियो पहले यहाँ पे शेयर किया यूट्यूब में। सो इसमें आपने देखा जो कलर कॉम्बिनेशन था उसी का रेप्लिकेशन आप किचन में देख सकोगे। किचन एक अलग से इस घर में आपको हाईलाइट होता हुआ नहीं दिखेगा। सो बेसिकली जैसे ही लिविंग रूम से एंटर होते हैं, सो यहाँ पे एक आर्च सबसे पहले किचन को हम लोग ने यहाँ पे क्रिएट किया। सो किचन में एक प्रोमिनेंट शेप देना था तो हम लोग ने उसी आर्च को यहाँ पे रेप्लिकेट किया। सो सबसे पहले यहाँ पे एक एक्सेंट वॉल मिल गया। यहाँ पे डिश को हैंग किया है, डिश का एक आर्ट है। सो ये सब हैंड क्राफ्टेड है, जो यहाँ पे एक प्रॉपर उसको एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न में प्लेस किया है। आफ्टर दिस वॉल यू कैन सी यहाँ पे फ्रिज का पोजीशन आता है और उसके बाद एक क्रॉकरी यूनिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली ये जो क्रॉकरी यूनिट है, सो उसके नीचे एक स्टोरेज स्पेस क्रिएट हो रहा है। सो जिसके अंदर सीविंग मशीन रखा है और उसके बाद जो 3.5 फीट का ये यूनिट क्रिएट हो रहा है। सो ये बेसिकली जो आर्च हम लोग ने वहाँ पर लिया है, जो मेन एंट्रेंस पे किचन के, उसी को हम लोग ने यहाँ पे शटर पे रेप्लिकेट किया। सो अंदर आप देख सकते हो एक छोटा सा लाइट, प्रोफाइल लाइट, जहाँ पे मतलब वो ग्लास पूरा एंड तक उस जो क्रॉकरी यूनिट है, जो स्टोरेज एरिया है पूरा, तो उसको हाईलाइट कर रहा है। सो आफ्टर क्रॉकरी यूनिट यहाँ से पूरा एल शेप में किचन प्लेटफॉर्म कंटिन्यू हो रहा है। सो ये बेसिकली मेन काउंटर है, जिसमें हॉब का पोजीशन है और जो उसका एल शेप का सेकेंड पार्ट है, सो उसमें सिंक आ रहा है। सो बेसिकली ये जो काउंटर है वो 2 फीट 3 इंच का वाइड है और उसका प्रिपरेशन काउंटर 2 फीट ही है। नीचे आप देख सकते हो सब ट्रॉलीज ही है। सो जैसे कि यहाँ पे जो नॉर्मल अपना 3 बेसिक ट्रॉली आता है, वही 3 बेसिक ट्रॉली यहाँ पे है। देन यहाँ पे एक पुल आउट मिल रहा है, देन जिसमें जब सब स्पाइसेस और सब रख सके। अगेन दिस 3 मिसलेनियस ट्रॉलीज यहाँ पे दिया गया है। आफ्टर दैट ये जो है वो स्टोरेज स्पेस है, जो स्टोरेज शटर है, जो इसके अंदर पूरा यहाँ से एंड तक का जो स्पेस है उसको यूटिलाइज कर सकते। 4 ट्रॉलीज आर इक्वल। सो ये जिस बड़े थालीज या फिर कोई बड़े डब्बे हो वो आ सकते हैं। और बाद में ये है सिंक का स्टोरेज, सो उसके लिए शटर्स है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सिंक है, यहाँ पे हम लोग ने क्वार्ट्स सिंक यूज़ किया है। मतलब जो पूरा ग्रेनाइट का काउंटर है वो मून वाइट ग्रेनाइट के साथ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे वाइट क्वार्ट्स में सिंक जो है वो दिया है। सो आप देख सकते हो उसके बाद आफ्टर सिंक ये पूरा वेट एरिया काइंड ऑफ है। तो उसके यहाँ पे जो एक नीश है वो बेसिकली वॉशिंग मशीन के लिए यहाँ पे नीश क्रिएट किया। सो ये तो किचन काउंटर और उसके जो अंडर काउंटर स्टोरेज है उसके बारे में हुआ। देन ऊपर आप देख सकते हो ये ओवरहेड स्टोरेज है। इस स्टोरेज में कहाँ पे भी ग्लास नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्लास नहीं है, सब सॉलिड शटर्स है। क्योंकि यहाँ पे कोई पर्पस नहीं था कोई क्रॉकरी या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ें हाईलाइट करने के लिए। सो 2 बीच में हाइड्रोलिक्स है और आफ्टर हाइड्रोलिक साइड में ये पूरा स्टोरेज है। सो यहाँ पे भी शटर्स स्टोरेज है और ये भी आप देख सकते हो पूरा स्टोरेज है। सो उसी के नीचे ये प्रोफाइल लाइट दिए पूरे काउंटर में हम लोग ने एज जो ओवरहेड स्टोरेज है उसके नीचे दिए, क्योंकि ये प्रिपरेशन काउंटर है। प्रिपरेशन होते वक्त अगर ऊपर के लाइट्स नहीं जलाए तो भी ये जो लाइट है ये काउंटर के लिए इनफ है। सो वो एक फंक्शनल लाइट वहाँ पे हो चुकी है। आफ्टर दैट हम ऊपर देख सकते हो लॉफ्ट है। सो लॉफ्ट इक्वल साइज दोनों की तरफ है। सो जैसे आपने देखा ये जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली पेस्टल ग्रीन कलर जो ऊपर ओवर स्टोरेज में हम लोग ने यूज़ किया है या फिर लॉफ्ट में यूज़ किया है। और जितना भी नीचे का स्टोरेज है या क्रॉकरी यूनिट है, शेल्फ है, सो उनको हाईलाइट करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे वुडन लैमिनेट को यूज़ किया है, जो पूरे लिविंग रूम में। सो लैमिनेट का सिलेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा सेटल है। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था, हम लोग ने लिविंग रूम और किचन को सेपरेट या फिर किचन को पूरे घर में हाईलाइट ऐसा नहीं किया है, इसीलिए जो लिविंग का लैमिनेट है वही सेम वुडन लैमिनेट यहाँ पे यूज़ किया है। और उसको एक्सेंट करने के लिए ये जो हैंडल्स है वो हम लोग ने ब्लैक फिनिश में किया। सो ये एक पूरा कम्प्लीट लुक है किचन का। ये एक परफेक्ट किचन है। अगर आप स्पेस को देखोगे तो हम लोग ने पूरा उसको यूज़ किया है स्पेस को। और जो किचन में टेक्निकल सबसे जो चीज़ होती है, जो किचन का ट्रैकर होता है, जो कि फ्रिज, हॉब और वहाँ पे सिंक है, सो वो एक परफेक्ट ट्रायंगल है स्पेस या फिर डिस्टेंस के हिसाब से। जो एक परफेक्ट एंगल होना इम्पॉर्टेंट है कोई भी किचन में, फिर चाहे वो कॉम्पैक्ट हो या फिर वो बड़ा किचन हो। सो वो यहाँ पे हम लोग ने अचीव किया है। सो ओवरऑल ये एक टेक्निकली एंड लुक वाइज भी एक परफेक्ट किचन है। सो इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।